तो स्वागत है आपका एक बार फिर से तोशिन टैक चैनल में। दोस्तों अगर आप यूज़ करते हैं रियलमी का कोई भी डिवाइस, रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन, तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने किसी भी रियलमी के डिवाइस में नेविगेशन बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने रियलमी 2 में नेविगेशन बार को कस्टमाइज़ करके देख सकते हैं, अभी नेविगेशन बार जो है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से इसको स्लाइड अप करता हूँ और मैंने अपना पिक जो है यहाँ पर सेट किया हुआ है नेविगेशन बार को कस्टमाइज करके। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि आप अपने नेविगेशन बार में कस्टमाइज करके ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको मेरे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरह के वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको किसी भी रियलमी के डिवाइस में नेविगेशन बार को कस्टमाइज कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली से जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आपको एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों ऐप को डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो सभी डिटेल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आपको जो है वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है। तो आपको जो है वहां से डिस्क्रिप्शन से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में देख सकते हैं इसको जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले ऑन ऑफ का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ से इसको ऑन करने के लिए परमिशंस को अलाउ करनी है, तो आप गो टू सेटिंग्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको नाउ बार टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आप यहाँ से इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद में जब आप बैक आएंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑन ऑफ की परमिशन हमने वहाँ से ऑप्शन हमने इनेबल किया था वो यहाँ से ऑन नहीं हुआ है और यहाँ पर अभी ऑफ ही दिखा रहा है। तो आप इसको अगेन ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद में यहाँ पर आपको गो टू सेटिंग का ऑप्शन जो है अगेन शो होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एसेसबिलिटी सर्विस जो है वो इनेबल करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको नेवबार टूल्स लास्ट में देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आपको इसको भी इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद में आपको इसको यहाँ से ओके करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आप देखेंगे कि जो ऑन ऑफ यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन वो इनेबल हो चुका है, वो ऑन हो चुका है। उसके बाद में आपको क्या कर लेना है, फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप फ़ोन जो है रीस्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में हमें आना है यहाँ पर अगेन इस ऐप में, और इस ऐप में आने के बाद में यहाँ पर मैं आपको जो आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जो नेविगेशन बार का जो कलर है फ़ोन के रीस्टार्ट होने के बाद में यहाँ से चेंज हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ से हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपनी पिक ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर हम बैटरी परसेंटेज को भी ऐड कर सकते हैं। वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है एक्टिव ऐप, अगर यहाँ पर ऊपर सेटिंग वाले आइकन में आप जाएंगे, सेटिंग वाले आइकन में जाने के बाद में आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप्स होगी वो सारी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी ऐप यहाँ पर आप ओपन करेंगे देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ से WhatsApp को सेलेक्ट करता हूँ और देख सकते हैं मैं यहाँ पर WhatsApp को सेलेक्ट कर लेता हूँ। WhatsApp को सेलेक्ट करने के बाद में ये सेटिंग का आइकन है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इनेबल कस्टम सेटिंग्स, इसको मैं यहाँ से इनेबल करता हूँ। और यहाँ पर आपको डोंट डिटेक्ट दिस ऐप, इसको इनेबल नहीं करना है। जो लास्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है चूज़ कलर, यहाँ पर आप कलर चूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर इस तरह से ग्रीन कलर चूज़ करते हैं तो जब भी आप WhatsApp को ऑन करेंगे देख सकते हैं, जब भी आप WhatsApp ओपन करेंगे तो WhatsApp ओपन करते ही यहाँ पर आपको ग्रीन कलर नेविगेशन बार में देखने को मिल जाएगा, और आप इसको क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो कलर है यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो सो इस तरह से आप अपने किसी भी ऐप में नेविगेशन बार के कलर को चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको ओनली सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है, सेटिंग के आइकन पे क्लिक करने के बाद में आप उस ऐप को इसी तरह से उस ऐप में नेविगेशन बार के कलर को चेंज कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर जो स्टैटिक कलर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अगर आप इसको इनेबल करते हैं, इसको इनेबल करने के बाद में जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पर जाते हैं, इसमें जाने के बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं जो नेविगेशन बार का कलर है वो यहाँ से कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज, आप यहाँ पर अगर इमेज को इनेबल करते हैं, इनेबल करने के बाद में जो सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसमें अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड कुछ पाँच से छः आपको यहाँ पर इमेजेस देखने को मिल जाएगी। जो इमेजेस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पर नेविगेशन बार में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपना खुद का पिक यहाँ पर सेट करना, तो आप जो है यहाँ पर क्लिक हेयर टू एड योर ऑन इमेज में जाकर आप इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद में आप यहाँ पर अपने फ़ोन की गैलरी में जो है आ जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन की गैलरी में आपको आ जाना है और आपके जो भी पिक यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है वो यहाँ से आपको लेकर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पिक जो है सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ से आपको इसको क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में जो पिक है वो इस तरह से सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये काम भी करेगा। यहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस है ऐप का बहुत ही अच्छे से काम करेगा। बस आपको इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में, परमिशंस को अलाउ करने के बाद में आपको एक बार फ़ोन को रिबूट कर लेना है या फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं लास्ट फीचर की। तो यहाँ पर आप जो बैटरी परसेंटेज वाला ऑप्शन देख रहे हैं इसको अगर आप क्लिक करते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पर जो इमेज है वो यहाँ से जो इमेज है वो ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इमेज ये वाली सेलेक्ट कर ली है और उसके बाद में अगर बैटरी परसेंटेज को ऑन करता हूँ तो बैटरी परसेंटेज को ऑन करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर आपको मतलब जो ग्रीन एरिया, ग्रीन पोर्शन जो देखने को मिल रहा है, मतलब उतनी बैटरी आपके फ़ोन में रिमेनिंग है। देख सकते हैं अभी मेरे फ़ोन में 63% रिमेनिंग बैटरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 63% जितनी जो ग्रीन लाइन है वो देखने को मिल जाएगी। जिस तरह से बैटरी, मतलब जैसे जैसे बैटरी ड्रेन होती जाएगी, उस तरह से यहाँ पर जो ग्रीन एरिया है वो भी यहाँ पर छोटा होता जाएगा और ये येलो एरिया है जो है वो यहाँ से बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों ये एक बैटरी परसेंटेज भी शो हो रहा है। अगर यहाँ से ग्रीन एरिया जितना कम होगा उतनी बैटरी आपके फ़ोन में कम है। यहाँ पर आप इसके कलर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसका कलर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप मिडल सेलेक्ट करते हैं तो मिडल सेलेक्ट करने के बाद में आप इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देख सकते हैं जो बैटरी, अगर आपको बैटरी का जो बैटरी की जो लाइन दिख रही है वो अगर आप इसको कम ज़्यादा यहाँ से करना चाहें तो इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बॉटम सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं इसको आप कम करके जो बैटरी का इंडिकेशन है वो आप यहाँ से बॉटम में करके और सेट कर सकते हैं। इससे जो आपकी इमेज होगी वो पूरी शो होगी और आपको जो बैटरी का इंडिकेटर है वो भी दिख जाएगा। यहाँ से आप अगर बैटरी के कलर को चेंज करना चाहे तो देख सकते हैं बैटरी के कलर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ग्रीन है वो सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस ऐप को कम्प्लीटली अपने फ़ोन के नेविगेशन बार को कस्टमाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।